Assalamualaikum viewers, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तुराई कैसे बनाते हैं, सिंपल सादी तुराई। इसे पंजाब में काली तोड़ी भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिच गॉर्ड कहते हैं और ये इसके बहुत से फायदे हैं। इसे अपने खानों में जरूर इस्तेमाल किया करें। और आज गोश्त के साथ मैं पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, आज मैं आपको सिंपल तोड़ी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी कि काली तुराई जो है वो कैसे बनती है काली तोड़ी। और इसके लिए जो हमें बहुत से मेन सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप किसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो लोग नहीं खाने के शौकीन, वो जो पसंद नहीं करते काली तोड़ी को, वो भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा और आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने इसके लिए लिया है 1.5 kg ली है काली तोड़ी। हम जब इसे कटिंग करके पकाएंगे तो ये काफ़ी श्रिंक हो जाएगी और इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। अभी से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और इसके लिए मैंने लिए हैं 3 small to medium size मैंने अनियन लिए हैं, ये भी आपको दिखाने के लिए रखे थे। और इसे मैंने लिए हैं मीडियम टू लार्ज साइज 3 टमाटर लिए हैं, ये भी मैं इसमें कटिंग करके ऐड करूँगी। और इसमें लिया है मैंने 1/2 cup ऑयल लिया, इसकी मैंने कटिंग की है। वन लार्ज जो है वो मैंने लहसुन लिया है, 1 tablespoon लिया है, 1 tablespoon भर के सूख मिर्च ली है, 1 teaspoon जो मैंने लिया है हल्दी का, और 1 tablespoon भर के मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर। अनियंस को मैंने स्लाइस कट कर लिया है और जो टमाटर हैं उन्हें मैंने चक्स में कट कर लिया है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक मसाला रेडी होगा तब तक हम जो तुरई है उसको भी कट कर लेंगे। मैंने कुकर लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम अनियन ऐड करेंगे। कुकर के ढक्कन को खोल लिया है मैंने, अब इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे भूनने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो तैयार है
है मज़ेदार तुरई। आप चाहें तो इसे पानी को फुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसे ऐसे ही रखूँगी। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो तैयार है मज़ेदार तुरई, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।